उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में आया भूचाल। हरीश रावत ने की अपने इस्तीफे की मांग। कहा होलिका दहन में हरीश रावत रूपी बुराई का अंत करे कांग्रेस। कपिल सिब्बल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा गांधी परिवार किसी और को दे मौका। कल्पना लोक में जी रही कांग्रेस। ओपी राजभर ने किया नया दावा। कहा 122 सीटों पर बीजेपी ने तय किए बीएसपी प्रत्याशी। एक कार्यालय में तय हुए नाम। फरुखाबाद में दबंगों ने महिला और बच्ची से की छेड़छाड़। घर में दिया लूटपाट की घटना को अंजाम। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बवाल शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी से खुद को निष्कासित करने की मांग कर दी है। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और अगर वो आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा हो, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, जो पार्टी का महासचिव रहा हो और कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य है, आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान व्यक्ति हो तो एक उचित उत्सव है होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। हरीश रावत ने आगे कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दे दिया है। इसमें हिजाब को इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इनके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। AIMIM नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि AIMPLB के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इन दबंगों को ना तो पुलिस का डर, ना ही शासन प्रशासन का। ये दबंग बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र का है, जहां पर कुछ दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ छेड़छाड़ और लूटपाट पॉस्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन दबंगों ने बीजेपी विधायक का करीबी से पुलिस से साठगांठ कर ली और जिसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ लूटपाट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं को हटा लिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष अब न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है। फरुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों ने महिला और बच्ची से छेड़छाड़ की है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला जो है वो कैद है और आरोप ये लग रहा है कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। लेकिन जब पता चला कि बदमाश जो है वो किसी बीजेपी नेता के करीबी हैं, बीजेपी विधायक ये बताए जा रहे हैं जिनके करीबी हैं, तो उन्होंने पुलिस से साठगांठ कर ली, जिसके बाद पुलिस ने छेड़छाड़ लूटपाट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं को पूरी तरह से हटा दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कस्बा थाना कमालगंज निवासी बादनी शिवांगी गुप्ता के पति श्री रवि गुप्ता विपक्षी अवधेश गुप्ता आपस में सगे भाई हैं। बादिया के पति द्वारा अपना मकान अपने भाई को दान पत्र के द्वारा लिखा गया था तथा जिसके सारे पैसे भी उनके भाई अवधेश गुप्ता द्वारा उन्हें दे दिए गए थे।
बादिया के पति ने अपने भाई अवधेश गुप्ता से 3 माह के बाद मकान खाली करने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच दिनांक 3/2/22 को अवधेश गुप्ता को कहीं से पता चला कि उनके भाई रवि गुप्ता इस मकान को किसी तीसरे को बिक्री करने जा रहे हैं, जिस पर उनके द्वारा मकान खाली करने का विवाद हो गया। नब्बे के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म स्क्रीनिंग की गई है, जिसको लेकर कश्मीरी पंडित एसोसिएशन ने गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर M4U सिनेमा में पूरा हॉल बुक किया और तमाम कश्मीरी पंडितों ने इस फिल्म को देखा है, जिसमें उस दौर की घटना को दर्शाया गया। काफी तादाद में जब कश्मीरी पंडित इस फिल्म को देखकर निकले तो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भावुक भी हो गए और कुछ कश्मीरी पंडित आक्रोशित भी नजर आए हैं। कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। ये इससे रेफ्रेशमेंट हो गया, वो जो आजकल की जो यंग पीढ़ी है इनको जो 30 साल की घटना ये है, तो इससे रेफ्रेशमेंट उनको मिल गया कि ये एपिसोड और ये रियलिटी में जो ये पेश किया गया, इससे उनको पता चला कि उस वक्त एपिसोड्स क्या हो गए। उस टाइम में मेरा एक जीजा था वो भी मारा गया उधर कुंजर नाले में, उसकी एक बेटी थी उस वक्त, बहुत जो इसमें मेंशनड भी नहीं है मगर जितना कुछ मोटा मोटा है इसमें आया हुआ है, इसमें कुछ ये आए हैं जो ये पुरानी हिस्ट्री रिवाइज हो रही। अब एक मामला संभल से आया जहां स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिले में झोलाछाप डॉक्टर्स की इतनी भरमार है कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा एक मामला संभल के बैजोई क्षेत्र के शिव हेल्थ केयर अस्पताल में देखने को मिला, जहां पर गर्भपात के दौरान महिला की मौत हो गई। वही महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा तो आरोपी झोला छाप डॉक्टर मौके से रफू चक्कर हो गया। वही घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है और क्लिनिक को सील कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संभल का ये पूरा मामला है। आसपास के लोगों का ये आरोप है कि ऐसे तमाम झोलाछाप डॉक्टर हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं और इलाज कर रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इलाज के दौरान लोग दम तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और ऐसे अस्पताल ऐसे क्लिनिक धड़ल्ले से संभल में खोले जा रहे हैं। तो संभल की तस्वीरें हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिले में झोलाछाप डॉक्टर्स की भरमार बढ़ रही है, मरीजों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये पूरा मामला संभल के बहजोई क्षेत्र के शिव हेल्थ केयर अस्पताल में देखने को मिला। एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, ये पूरा मामला जो है वो बहजोई क्षेत्र के शिव हेल्थ केयर का है, जहां पर ये पूरा मामला देखने को मिला है। गर्भपात के दौरान महिला की मौत हो गई, वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है तो आरोपी झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। हमारे गांव की आशा, इनका नाम कहते हैं मनीषा गुप्ता है, मनीषा गुप्ता है, वो जो डायरेक्ट इन अस्पताल में लेके आई, ये मेरा भाई अनपढ़ है, इन्होंने सर्विस को कहते हैं सफाई करने के लिए बोला, अंदर ले गई सफाई करा, चीखी चिल्लाई को और इन्होंने जो है क्या तुम्हारी बुक भरेंगे के लिए भंगड़े करने लगी, यही मेरे तो घोषित हो गई, तो इन्होंने बाहर ला के दर्शन कराने लाई थी। जी जी जी, अभी हम लोग को जानकारी मिली कि शिव हेल्थ केयर पर एक महिला की मौत हो गई है और ये सुनने के बाद हमारी स्वास्थ्य की टीम ने इसको सील कर दिया है। उसके साथ साथ आज हमने गुन्नौर तहसील में गुन्नौर ब्लॉक में 3 हॉस्पिटल को सील किया है, SDM साहब के नेतृत्व में 3 हॉस्पिटल को सील किया गया है। सर, ये यहाँ पर जो महिला को लेके आई है वो क्या कहते हैं आशा लेके आई है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आशा के खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उसकी सेवा समाप्त करने के लिए DM साहब के लिए कि उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए।
सहयोगी प्रदीप कुमार मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, संभल में ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आती है जहां पर झोला छाप डॉक्टर्स की जो भरमार है वो बढ़ती जा रही है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती, सख्त कार्रवाई? ये कोई पहला मामला नहीं है, आपने सही कहा है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। मतलब झोला छाप डॉक्टर है वो इलाज करते हैं, जहाँ का मामला है वहाँ मुख्यालय है, मुख्यालय में तमाम अधिकारी वहाँ रहती हैं, उसके बावजूद भी झोला छाप पनप रहे हैं वहाँ पर, और ऐसी घटना को जानते हैं। अब गर्भपात महिला के, ये समसोई की महिला रहने वाली थी, इसे आशा लेके गई, आशा ने ले जाकर भर्ती कराया झोला छाप के यहाँ, इसे सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ले गई। केवल एक पैसे का खेल होता है, ये पैसे का खेल है, केवल इसमें पैसा कमाया जाता है। सारे अधिकारी सब जानते हैं, उसके अब भी अनजान बने रहते हैं जानकर भी। प्रदीप, तो इस पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि ऐसे तमाम क्लिनिक चल रहे हैं, कार्रवाई जो की गई है, हमारे पास ये आया है कि क्लिनिक को सील कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्लिनिक को सील कर देना क्या काफी है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर तो मौके से फरार है, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, विरास यादव जो है नोडल अधिकारी, उन्होंने सील कर दिया हॉस्पिटल को, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी, कब उसकी गिरफ्तारी होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से झोला छाप डॉक्टर संभल जिले में फल फूल रहे हैं, वो स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ही फल फूल रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी इसमें शामिल हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते, केवल महीने पर ध्यान देते हैं कि महीना कब आएगा इनसे। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती प्रदीप, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अधिकारी अगर लिप्त है स्वास्थ्य विभाग के, तो बड़ी कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जा रही है, क्यों छापेमारी नहीं की जा रही है ऐसे क्लिनिक्स पर? जी, दिखाने के लिए छापेमारी होती है, ऐसा नहीं है छापेमारी नहीं होती। जो पैसा नहीं दे पाते हैं, जो पैसा कम देते हैं झोला छाप, उनके यहाँ छापेमारी होती है, लेकिन जो बड़े झोला छाप जो हॉस्पिटल चला रहे हैं अपने अपने, क्योंकि उनका महीना मोटा आता है, जब महीना मोटा आएगा तो छापेमारी क्यों करेंगे वो, और इसमें सभी अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं शामिल हैं। यानी पैसे का खेल है सारा, सब पैसे का खेल होता है ये, नहीं तो झोला छाप इतने फल फूल रहे हैं, आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव जाकर देखें, झोला छाप डॉक्टरों की लाइन लग हुई है, और उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, क्या कारण है इसमें, सब खेल वही है। ठीक है प्रदीप, देखिए हम सीएमओ से भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हमने उन्हें फोन भी किया, लेकिन वही बहानेबाजी कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या कह रही हैं, आपने हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो पल्ला झाड़ने की कोशिश यहाँ की जा रही है। यानी कि आपने सही बोला है कि पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वो मिला हुआ है, और पैसे का ये सारा खेल है। देखिए, अगर तस्वीरों में मैं देखूं तो ये जो हेल्थ केयर सेंटर बताया जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है कोई किराने की दुकान है, ये अस्पताल या क्लिनिक कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, एक किराने की दुकान ही लग रही है, किराने की दुकानों में ही ये सेंटर बनाई जाती हैं, जिससे लोगों को विश्वास भी ना हो, पता भी ना लगे, और काम चलता रहे। सही है, जहाँ का ये मामला है वहाँ मुख्यालय है जिले का हमारे, वहाँ तमाम बड़े अधिकारी वहाँ बैठते हैं, उसके बावजूद भी झोला छाप पर कार्रवाई ना होना एक सवाल निशान बनता है ये, कि आखिर ऐसा झोला छाप डॉक्टर क्या है जो इतने मजबूत हो गए, इतने टिकाऊ हो गए कि उनसे कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। तमाम खबरें हम लोगों ने खबरें काफी और कितने मामले यहां से सामने आ चुके हैं जहां पर इससे पहले भी डॉक्टर की वजह से मौतें हो रही हैं। जी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी इस हॉस्पिटल के अंदर ही मौतें हो चुकी हैं। सही है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, अब ये सील कर दिया गया है, अब ये सील कब खुलेगी ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सील खुलेगी जरूर, इतना पता है, विश्वास है लोगों को कि सील खुलेगी जरूर। यानी कि अस्पताल, ये हेल्थ सेंटर, ये क्लिनिक सील हो जाते हैं, कुछ दिनों बाद फिर ये चालू हो जाते हैं, फिर चालू हो जाते हैं। जी जी, यानी कि जरा भी खौफ नहीं है। अब ये जो तो प्रदीप, जो वहां की आम जनता है, इसको लेकर कोई शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार जनता शिकायत करती है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दी जाए, स्वास्थ्य हमें जब अच्छी मिलेंगी, जब सरकारी हॉस्पिटल जब बात कर ले आप, तो सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, उसी कारण लोग झोला छाप के पास भागते हैं। और ये भी सच्चाई है कि झोला छाप डॉक्टर बहुत से लोगों की जान भी बचाते हैं, कि उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद में उन्हें रेफर करते हैं, जब वो शहर तक आते हैं तो उन्हें सही इलाज मिल पाता है। लेकिन कुछ झोला छाप ऐसे भी हैं जो लगातार केवल उनके काम ही है गर्भपात
थाना, सही है। अब ये मामला भी ऐसे ही है, समसोई का मामला है, बैजोई गांव है समसोई, वहां का ये मामला है। वहां से कुछ कदम की दूरी पर जिला मुख्यालय है, हॉस्पिटल है वहां पर सरकारी, उसके बावजूद भी झोला छापियां ले आना आशा द्वारा, आपने क्या दर्शाता है? प्रदीप, आपने बताया कि जो आशा कार्यकर्ता थी वो जो है महिला को इस हेल्थ केयर सेंटर में लेकर आई थी, अगर देखा जाए तो उसे सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर उनकी भी मिलीभगत है कुछ प्रदीप? जी, परिवार ने जो आरोप लगाया वो यही आरोप लगाया है कि महिला आशा वर्कर जो थी वो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई, ये केवल एक पैसा खेल होता है कि उन्हें कमीशन दिया जाता है वहां से कि इतने हजार पे इतने पैसे मिलेंगे, इतने हजार पे इतने पैसे मिलेंगे, और जो सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पाता, इसीलिए सारी आशाएं जहां तक भी लोगों का मतलब आरोप है, लगातार आरोप यही लगते हैं कि आशाएं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती हैं, वहां उनका कमीशन तय होता है। ठीक है प्रदीप, आप इस खबर पर जानकारी सारे अधिकारियों को, ये प्रदीप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। और ये संभल में जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर जो है तमाम अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे हैं, जो भी हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हैं, इसका खुलासा करना जरूरी है, और आप नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो संभल का ये पूरा मामला है जहां पर महिला की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि अस्पताल में इस हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की जान चली गई, और ऐसे तमाम मामले जो हैं वो संभल से सामने आते हैं, और ये सब जो हो रहा है वो स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से हो रहा है, क्योंकि सीएमओ से लगातार यहाँ पर कॉन्टैक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बहाने मार रहे हैं और फोन नहीं उठा रहे, ऐसी तमाम तस्वीर जो है सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। कुशीनगर में अंग्रेजी शराब की दुकान पर कार्यरत कर्मचारी को बदमाशों ने गोली मार दी, वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं फरुखाबाद में इन दिनों अवैध खनन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में पुलिस और खनन माफिया के बीच साठगांठ के बाद पुलिस जेसीबी और ट्रैक्टर छोड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी वीडियो में कई दर्जन बुग्गी चालक और अवैध बालू खनन कर रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि दोनों मामलों में कार्रवाई हुई है कि नहीं। फरुखाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध खनन जोरों पर है, दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, एक में पुलिस की साठगांठ देखी जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन जो है वो धड़ल से किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अब तक ये नहीं बता पाई कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई उन्होंने की है। तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए शासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन के कुछ ऐसे अधिकारी या कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इन सब पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं, कुछ ऐसा ही फरुखाबाद में देखने के लिए मिल रहा है। वहीं फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र में कूड़े के ढेर से निकली चिंगारी ने तबाही मचा दी, जिससे तीन घरों में भीषण आग लग गई और लाखों रुपयों की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों को देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक महिला और तीन मवेशी जल गए, जिसमें महिला सहित एक मवेशी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिनांक 14/3/2022 को समय करीब 1200 बजे ग्राम गदौरा थाना किशनपुर में के तीन घरों में आग लग गई, जिसमें गुड़िया के मकान की छप्पर के नीचे तीन भैंसें बंधी थी, उसको खोलने के लिए गई, दो भैंसें खोल दी थी, तीसरी खोलते समय जलता हुआ छप्पर उसके सर पर गिर गया, जिससे उसे मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मौके पर SO किशनपुर और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आग लगी कूड़े से, कूड़े से फिर इसमें से जलती जलती तीन चार घर जल गए और एक महिला की जान चली गई, वो पड़िया ढीलते समय, अच्छा हाँ पड़िया को ढील के वो छप्पर गिर गए उसके ऊपर, उनको कोई जान नहीं पाया आग बुझाने के चक्कर में। तो आग उधर से लगी थी क्या? हाँ उधर से लगी थी। अच्छा उधर से लगी, जलते जलते आई इधर भी,
सब बुझा रहे थे, उनको ध्यान दिए नहीं है। तो आप लोग आग बुझाने बिजी थे? हाँ, आग बुझा रहे थे, बहुत पब्लिक और थी। और वहीं बुलंदशहर में गौकशी कर रहे बदमाशों से थाना गुलाफटी पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश और पुलिस के बीच हुई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, गौकशी करने के औजार और एक जीवंत गौवंश भी बरामद किया है। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो तस्कर चांद पुत्र नूर इलाही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, और इसके कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद हुए हैं तथा गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और एक जीवित बछिया भी बरामद हुई है, जिसकी गोकशी के इरादे से इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको कहीं से ले आया था। उल्लेखनीय यह है कि ये टॉप 10 का अपराधी है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी तथा वर्ष 2020 से लगातार वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध कुल 15 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें 2018 में इसके विरुद्ध NSA की भी कार्रवाई की गई थी। बहुत ही कुख्यात किस्म का गोकशी करने वाला अपराधी है और अपने साथियों के साथ था। दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 60 दशहरा पार्डी विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति मोर्चा का भव्य अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय निर्मल, राष्ट्रीय महासचिव शुभना टूंडिया, प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युम्न बाजा, जिला बीजेपी अध्यक्ष जगदीश मकवाना, दिलीप भाई पटेल समेत अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी और नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति के लिए विकास योजना की जानकारी के साथ साथ संगठन को मजबूत करने की जानकारी दी है। पार्टी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, दो दिन का कार्यक्रम है और पिछले दिवस महिला सम्मेलन हुआ, बहुत सैकड़ों हजारों की संख्या में बाइक रैली हुई, कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, वृक्षारोपण हुआ। अपने जो पौड़ी कोटद्वार रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 5ों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। नरेश रावत, ग्राम सभा निसणी और विनोद नेगी ने बताया कि जब वो घायलों को अस्पताल ले गए तो अस्पताल में कोई भी कर्मचारी नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ही घायलों की मरहम पट्टी की। उन्होंने मांग की है कि अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कर्मी समय से अस्पताल में मौजूद नहीं होते, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा। मार्च के महीने में प्रदेश में बहुत कम बार मौसम का मिजाज पतला है। हालांकि इस दौरान सर्दी का असर खत्म हुआ है और गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। वहीं कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम साफ रहने से दिन और रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहने वाला है। इस बीच 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। हाल फिलहाल में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ प्रदेश वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादातर शहरों में मध्यम श्रेणी में है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पल इंडिया के साथ।